नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक बड़ी खबर। इस वक्त की आपको बता दें, उन्नाव गैंगरेप पीड़ित ने कल रात 11:40 पर दम तोड़ दिया। आपको हम बता दें कि पीड़िता 95% जली हुई हालत में गुरुवार रात दिल्ली लाई गई थी। सफदरजंग अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। गुरुवार सुबह ही उन्नाव में 5 आरोपियों ने उसे पेट्रोल डालकर जला दिया था। आरोपियों में से एक पीड़ित के साथ हुए गैंगरेप का मुख्य आरोपी। मैं मरना नहीं चाहती, मैं जीना चाहती हूँ और अपने गुनाहगारों को फांसी पर लटकते देखना चाहती हूँ। अपने गुनहगारों को फांसी के फंदे तक पहुंचते देखने की उसकी ख्वाहिश अधूरी रह गई। उन्नाव की बेटी इन्हीं आखिरी अल्फाज के साथ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। 24 घंटे तक मौत से जूझते जूझते उसकी सांसें बोझिल हो गई थी। आखिरकार शनिवार रात 11:40 पर इंसाफ की अधूरी चाहत के साथ ही वो दुनिया छोड़ गई। उनकी हालत काफी क्रिटिकल थी, काफी गंभीर थी। 95% बर्न्स थी विद फेशियल बर्न एंड इनहेलेशन इंजरी थी। हाँ, ऐसे में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, उस वक्त वो बोल सकती थी जी, बोल पा रही थी जी, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद उनको वेंटिलेटरी सपोर्ट पे लेना पड़ा। 95% जली हुई हालत में पीड़ित को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इतनी बुरी तरह जलने के बाद अमूमन कोई भी शख्स कुछ कहने बताने की हालत में नहीं रहता, लेकिन ये बहादुर बेटी अपने गहरे जख्मों से लड़ रही थी, क्योंकि उसे अस्पताल से निकल इंसाफ की बड़ी लड़ाई लड़नी थी। वो जीना चाहती थी, वो लड़ना चाहती थी, इंसाफ की जंग जीतना चाहती थी। इसलिए बार बार अपने परिवार वालों से पूछ रही थी कि मैं बच जाऊंगी ना, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। बहन की बातें मीडिया के सामने बयां करते हुए भाई का गला भर आया था। कल हम अपनी बहन को जब गले लगाया तो एक ही बात बोला कि कोई यही बात बोला है कि हमको बचा लेने का और मुलजिम को बचने नहीं चाहिए। हमने कोई बात नहीं, बचेगा नहीं। गुरुवार को जब हैवानों ने रेप पीड़ित को जिंदा जला डाला तो परिवार को लगा कि इंसाफ की लड़ाई अब कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन अस्पताल में बेटी की हिम्मत और डॉक्टरों की मेहनत देखकर उम्मीद की एक महीने की डोर उनका सहारा बनी। पर शुक्रवार रात सब कुछ चकनाचूर हो गया। हाँ, ये तो धमकियां तो पता मुंह का लगा है कि सब धमकियां दे रहे जा रही हैं। अभी मिली है, तुरंत फोन आया है दिल्ली से। एक लड़की FIR दर्ज करना जाती है, FIR दर्ज नहीं होता है। लड़की कोर्ट में जाती है, उसकी कोई मदद नहीं होती है। लड़की बेल रुकवाने के लिए आवाज उठाती है, बेल हो जाता है। लड़की की कोई प्रोटेक्शन नहीं। गैंगरेप के गुनाह पर पर्दा डालने के लिए आरोपियों ने पीड़ित को जलाकर खाक करने की जो साजिश रची थी वो तो कामयाब हो गई। देश की एक और बेटी दरिंदगी के आगे हार गई। अब सवाल हमारी पुलिस, अदालत और सरकार के सामने है कि हैवानियत के बाद बच निकलने की ऐसी साजिश आगे भी कामयाब होती रहेंगी या मौत के साथ ही सही उन्नाव की बेटी की इंसाफ की चाहत पूरी होगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और उन्नाव से श्रीवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।